अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज़ Z5 के साथ बिल्कुल फ्री अम्मा जा ले वो, गर्मा गर्म रोटी बहुत दिमाग खराब है पहले हमारे लाल को खिला ले हकुआ गरमा गर्म रोटी है, 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 जा वो, गर्मा गरम रोटी। अरे बस। आलू गोभी की सब्जी बनाई हमने, तुम्हारी फेवरेट है ना जो बताओ महकर ना दिख रही मलाइका की इंटरमिशन फास्टिंग चल रही है अरे मम्मी वो इंटरमिटेंट फास्टिंग होता है तुम इंटरमिशन बोल अरे दादा आओ पानी पियो पानी पियो पानी पियो पूरा कटा लो बाबा सब कुछ अंदर चलो जागो और पी लो चलोगे वो बाहर निकल जाएगा उठेर जा एक तो है तू बेटा लग लगो तो आई जी, जी मित्र अरे के फोन उठा ठीक है बेटा दिन में आते हैं बाकी खाना खाने के बाद उठा लेंगे हाँ। अर्जेंट हो सकता है मंत्री जी को फोन है उठा लो लाने रोज को आए हेलो अपू सिंह जी नमस्कार मैं पीए पंकज त्रिपाठी बोल रहा हूँ अरे जैन जैन नंबर है आपको बताओ बताओ कैसे याद करो मंत्री जी आपसे बात करना चाहते हैं अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है खाना आका रहे थे वैसे बहुत बहुत मतलब खेद है इसके लिए कि आपको डिस्टर्ब किया लेकिन क्या करें मंत्री जी अभी फ्री हुए हैं तो अगर आप बात कर लें हाँ हाँ कोई बात नहीं अब तो डिस्टर्ब कर ही दो बुलाओ करोगा तो जी नमस्कार जैन साहब कैसे याद अरे हम बस ऐसे ही बैठे बैठे सोच रहे थे कि आप जैसा महान कर्मठ दुस्त दुरुस्त पुलिस इंस्पेक्टर का परिवार कैसा अद्भुत होगा मैं सोच रहा था कि अगर आपके माता जी से एक बार हमारी बात हो सके तो हाय वो सही हो अबे हाँ, हाँ? अबे अबे करवा रहे साहब दो मिनट आओ आओ इतनी पास में है हाँ पिल्लू पानी हेलो नमस्ते प्रणाम प्रणाम मंत्री जी मंत्री बेटा प्रणाम माता जी प्रणाम देखिए मेरा सौभाग्य है जो आपसे बात कर पा रहा हूँ आपने माता जी मतलब एक साधारण बालक नहीं आपने हीरा जना है हीरा हीरा में आके रहे सही कह रहे हैं मंत्री जी पर आपको कहा बताएं? हम कितनी-कितनी जगह गए, मंदिर दरगाह मन्नत मन्नत मांगी, उते मन्नत मांगी, तब जाके जो हीरा पैदा इतना हम सच में बहुत ही भाग्यशाली है भाग्यशाली माता जी आप हैं, आप मतलब आप ही नहीं हम भी हैं जो आप जैसे महान माता के कारण जो है हप्पू सिंह जी जैसे महान व्यक्तित्व से हमारी मुलाकात हो पाई सानिध्य मिल पाया तो माता जी, क्या मैं इनकी धर्मपत्नी से बात कर सकता हूँ हाँ हमारी खोपड़िया पर ही खड़ी है ले हाँ बाकी। बाकी। करना। हाँ। हाँ। वीडियो कॉल ना है फोन <laughs> बाबली हो गई बाबली राधे राधे बोल बोलने मंत्री जी हाँ हम दरोगा जी की पत्नी राजेश ओहो तो आप वही महान स्त्री हैं महान स्त्री जिनको हप्पू सिंह जैसे पति प्राप्त हुए वाह आपको कहीं महान बोलना हुए महान तो हम में तो तो को पैदा करूं नहीं नहीं अम्मा अम्म कह रही थी कि मंत्री जी सही कह रहे हैं खैर देखिए हमारी बात ध्यान से सुनिए क्या है कि हप्पू सिंह जी आपको पति नहीं मिले आपको पूरा का पूरा एक खजाना मिला है तो संभाल के रखिएगा संभाल के सहेज के हैंडल विथ केयर खजाना जा, हमें यहाँ कह रही स, 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 सही कह रहे हैं मंत्री जी 16 सोमवार गुरुवार धर हो तो अपने तब जी बिल्कुल महादेव की साक्षात रूप में हमें मिल गए हम तो हमेशा इस बात के लिए हैरान होते हैं एक ही इंसान में इतने सारे गुण मतलब सर्व गुण संपन्न पुरुष कैसे हो सकता है उनके बच्चे कैसे होंगे बात कराइए प्रणाम बोलो बेटा नमस्ते नमस्ते मंत्री जी मैं रणवीर बोल रहा हूँ Uh, नमस्ते अंकल मैं चमची <laughs> नमस्ते नमस्ते रणबीर चमची रणबीर चमची तुम लोग इतने सौभाग्यशाली हो कि तुम्हारे पिता जो है मतलब करोड़ों में अरबों में विश्व में एक है फादर ऑफ मिलीनियम है अब ऐसे ही तुम्हें भी उनका नाम रोशन करना है जी अंकल करंगो करंगो हाँ हाँ जरूर अंकल बाकी जीवन में भविष्य में कभी भी कोई आवश्यकता हुई तो हमको बताना है। हाँ, बतांगो, बतांगो। <laughs> सब करेगो। अरे साहब हम क्या है अम्मा बड़ी खुश हो गई हैं सबसे आपने बात करी सबको बहुत अच्छा लगा जब बात की लाने धन्यवाद हमारी पत्नी भी काफी खुश हैं धन्यवाद बोल नहीं हमें भी तुम्हारे परिवार वालों के साथ बात करके एक आनंद की अनुभूति हुई है

मत करो ना यार बग्गू छोड़ो जाने दो अरे मत करो यार अरे यार अरे बग्गू मत कर छोड़ 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 दिया अरे इतनी ज्यादा हमारी आज्ञाकारी होने की जरूरत नहीं मैं तो ऐसे ही कह रहा था मिस्टर बेनी प्रसाद बी एल मैं तुम्हारे लिए केस लेके आई हूँ लड़ना पड़ेगा ओ। तो कोर्ट के सामने दोषी और जुर्म दोनों बताए जाए दोषी और जुर्म जुर्म ये है कि मेरे जो पति है ना वो दिल से जितने अमीर है ना उतने ही जेब से कंगाल है <laughs> देखिए कोर्ट के सामने अपने पति की बेजती मत करिए अच्छा मजबूरी है <laughs> मजबूरी है, है। मेरे पति एक नंबर के आलसी हैं। आगे बढ़ने के लिए हाथ पैर ही नहीं मारते देखिए सुचित्रा सिंह जी ऐसा हो सकता है कि आपके पति को मौका नहीं मिला हो तुम चुप करो मौके तो बहुत मिले हैं तुम्हें लेकिन तुमने लूटा ही नहीं हाथ पे हाथ धर कर बैठे रहे ऐसा कौन सा मौका जो हमने नहीं लूटा छूट गए ये तो बताइए आप अच्छा बताऊ मैं जब तुमको पता है कि जीजू की मंत्री जी से अच्छी जान पहचान है तो जीजू को बोलकर किसी लॉ कंपनी में नौकरी क्यों नहीं ले लेते देखो क्या है और दोस्तों का ऐसे इस्तेमाल नहीं मुसीबत में दोस्त दोस्त के ही काम आता है समझे ना देखो मग्घू ये तुम नहीं समझोगे हम ऐसा नहीं कर सकते और ये ऐसा करना बिल्कुल नहीं नहीं अजीब आदमी है अचानक महान क्यों बन गए? सी फाइव ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री